ईश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे परमेश्वर, मेरा सोहम नाद जगाओ। ये जो बाहर मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, ये सिर्फ श्रवण इंद्रिय के द्वारा आपको सिर्फ कानों तक ही इसकी आवाज जा रही है, भीतर उस नाद तक ये चोट नहीं जा सकती, क्योंकि वो नाद जो है वो चोट से नहीं बल्कि वो आह्लाद से निकलता है। भीतर का जो नाद है वो भीतर से प्रकट होता है, और वो तब प्रकट होता है कि सुनते सुनते जब हम शांत हो जाए, निर्विचार हो जाए, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के भीतर जो आनंद है, जो शांति है, उसमें जरा ठहरें। तो ये सब बाहर की जो क्रियाएं हैं, मंदिर पे घंटी बजाना, जोत जलाना, ये प्रतीक है, लेकिन लोग प्रतीक में फंस जाते हैं और असली चीज को भूल ही जाते हैं। तो कैसे हम गुरु की करुणा और कृपा को पाएं, कैसे अपने हृदय में उनके प्रति प्रेम जगाएं, क्योंकि वो सिंधु है तो हम बिंदु हैं, वो अगर सूरज है तो हम मात्र एक छोटे से दीपक हैं, वो अगर विशाल वृक्ष है तो हम एक छोटे से बीज हैं, वो पूर्णता का खिला हुआ चंद्रमा है तो हम अमावस की रात है। फिर हम अपने जीवन में कैसे उस प्रकाश को लेके आए, कैसे उस प्रकाश में जाएं। अस्तो मा सद्गमयः तमसुर मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतम गमय। हम अंधकार से प्रकाश की यात्रा कैसे करें, हम मृत्यु से अमरता की ओर कैसे जाएं। तो जैसे एक बुझा हुआ दीपक अगर वो जले हुए दीपक का संग कर लेता है, निकट आ जाता है, तो वो भी जगमगा उठता है, और उससे प्रकाश लेने से उस प्रकाश का कुछ घटता भी नहीं। ऐसे बुझा हुआ दीपक ये जीवात्मा है, और प्रज्वलित दीप वो ब्रह्मज्ञानी सदगुरु वो परमात्मा है। इसलिए हम ज्यों ज्यों उनसे निकटता बनाएंगे, ज्यों ज्यों, और निकटता शरीर की नहीं बल्कि आत्मीयता की। शरीर से प्रेम सब करते हैं लेकिन आत्मिक प्रेम, और जहां आत्मीयता होती है वहां फिर दूरियां नहीं होती, वहां दूरियां खत्म हो जाती है। वहां हजारों मील ही क्यों ना गुरु और शिष्य की दूरियां दिखती हो, लेकिन जहां आत्मीयता है तो गुरु उसको अपने चारों तरफ, शिष्य के चारों तरफ उसको घेरे हुए, जैसे इस वायु देवता ने हमको घेरी हुई है, ऐसे जिसके चिंतन में, जिसके मनन में, जिसके ध्यान में सिर्फ और सिर्फ सदगुरु। सदगुरु इसलिए कहते गुरु जो है वो अमृत की खान है, और शिष्य ये विश्व, ये शरीर जो है, इस शरीर में कितनी भी पवित्र से पवित्र चीज को आप डालो, गंगा जल डालो, लेकिन वो यूरिन बन के बाहर आता है। कितनी भी पवित्र चीजें खिलाइए लेकिन पेट के भीतर जाते ही अपवित्र हो जाती है। यह तनविश की वेलरी, गुरु अमृत की खान। गुरु अमृत की खान इसलिए कहा क्योंकि उनकी वाणी से, उनकी दृष्टि से, उनके कर्मों की सुवास से जो जो कुछ भी करते हैं वो अमृतमय ही होता है, कल्याणकारी ही होता है। इसलिए गुरु नानक जी ने फरमाया कि ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी की जो दृष्टि है वो अमृत भरी है, गुरुवाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है, वो अमृत बाहर जमाने में नहीं मिलता। इसलिए तो महापुरुषों की दृष्टि में जो आ जाते, कहते हैं नजरों से वो निहाल हो जाते हैं जो सदगुरु की नजर में, बोलो, आ जाते हैं। व्यक्ति फिर अपना वो स्वभाव भूल जाता है। देखो पूज्य बापू जी ध्यानस्थ होकर के बैठे थे, और ध्यान अवस्था में बैठे बैठे समाधि लग गई, और समाधि में जब बापू जी बैठे थे तो बहुत सारे लोगों ने देखा कि ये बिखरे हुए वाल और ये हष्ट पुष्ट काया, चेहरे पर तेज नूरानी नूर, कौन है ये? तो जैसे जैसे लोगों की अपनी अपनी भावना थी, जैसे जैसे लोगों की दृष्टि थी, वैसा वैसा भाव आया। क्या भाव आया? बंद मकान बरामदा खाली, बैठे वहीं समाधि लगा ली,
देखा किसी ने सोचा डाकू, लाए लाठी भाला चाकू, दौड़े चीखे शोर मच गया, टूटी समाधि ध्यान खिंच गया। साधक उठा थे विखरे कैसा, राग द्वेष ना किंचित लेसा। जिसका राग मिट गया और जिसका राग मिट जाता है, उस परम पिता परमेश्वर में जिसका अनुराग हो जाता है, किंचित मात्र भी राग द्वेष न किंचित लेसा। ऐसे महापुरुष उनकी दृष्टि कैसी होती है कि सरल लोगों ने साधु जाना, हत्यारों ने काल ही माना, भैरव देख दुष्ट घबराए, पहलवान जीव मल ही पाए, कामी जनों ने आसिक माना, साधु जन की ने परिणामा। ये भिन्न भिन्न दृष्टि सांसारिक दृष्टि है, लेकिन महापुरुषों की क्या दृष्टि है? जिसने वो दृष्टि प्राप्त की, ये दो नेत्र जो दिख रहे हैं ये बाहर के नेत्र हैं, जिससे आप संसार को देख सकते हैं, जो संसार द्वैत से भरा है। जहां जीवन में सुख है वहां दुख आएगा, जहां मान है वहां अपमान भी आएगा, जहां राग होगा उसको फिर द्वेष भी होगा, जहां अपनापन है वहां उसको परायापन भी लगेगा, जहां मित्र होगा वहां शत्रु भी होगा। ये द्वैत भरी दुनिया है, जैसे धरती है तो आकाश है, गर्मी है धूप है तो फिर बारिश भी है, जहां मान है वहां अपमान है, जहां सुख है वहां दुख है, जहां शांति है वहां अशांति भी है, लेकिन जहां आनंद है वहां आनंद का कोई विरोधाभासी नहीं। उस आनंद को पाए हुए जो महापुरुष हैं, उनके पास एक ही दृष्टि है, प्रेम की दृष्टि। और वो प्रेम भरी दृष्टि अगर वो किसी पशु पे, भगवान बुद्ध के ऊपर पागल हाथी छोड़ा गया कि उनको वो नष्ट कर दे, मार दे, और ज्यों पागल हाथी भगवान बुद्ध के समीप आया और उस पागल हाथी को भगवान बुद्ध ने ज्यों सम्रत भरी नजर से निहारा, वो पागल हाथी पालतू की तरह आकर के उनको सूंड उठा करके और प्रणाम करता है, दोनों चरण झुका करके उनको नतमस्तक हो जाता है, प्रणाम करता है। वो अमृतवरी दृष्टि अगर अंगुलीमाल पर पड़ती है तो अंगुलीमाल अपना क्रूर स्वभाव बोल करके महान भिक्षुक बन जाता है। वो अमृतवरी दृष्टि नारद जी की वालिया लुटेरा पर पड़ती है तो उसमें से वालिया लुटेरा लूट कसोट छोड़ करके और भीतर का जो स्वभाव है वो उसमें आ जाता है और वो महान ऋषि वाल्मीक बन जाते हैं और त्रिकाल ज्ञानी हो जाते हैं और राम जी के जन्म से पहले ही वो रामचरित मानस लिख देते हैं, जो हुआ नहीं उसके बारे में भी लिख देते हैं। वो ऐसी पवित्र और पावन दृष्टि है मतंग मुनि की, जो जान लेते हैं पहले ही कि भगवान श्री रामचंद्र जी सबरी के द्वार पे आएंगे, आशीर्वाद दे के जाते हैं, सेवा सुमरन गुरु कृपा पार उतारन हार, इनसे भव को पार कर जीवन है दिन चार, खाते खाते दिन गए सोते सोते रात, साधक तूने कबहू न की प्रभु मिलन की बात। तो वो अमृत भरी दृष्टि जिस पर पड़ जाती है, लीला सा बापू जी की दृष्टि हमारे पूज्य गुरुदेव पर पड़ी, घटक तोड़ जल जल में मिलाया, जल प्रकाश आकाश में छाया, निज स्वरूप का ज्ञान दृढ़ाया, ढाई दिवस ब्रह्मानंद छाया, ब्रह्मानंद छा गया, आनंद ही आनंद, द्वैत मिट गया, अद्वैत में आकर के विराजमान हो गए। ऐसे अद्वैत भरी दृष्टि जहां दो है ही नहीं, एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उनकी नजर में सब एक ही है, क्या स्त्री क्या पुरुष, सबके भीतर वो उस परमात्मा को निहारते हैं। और यही कारण है कि जब हम महापुरुष को देखते तो हमारी जैसी श्रद्धा होती है, जैसा हमारा भाव होता है, महापुरुष हमें वैसे नजर आते हैं। लेकिन महापुरुष हमको जिस दृष्टि से देखते वो एक ही दृष्टि से देखते हैं, और इसलिए महापुरुष जब देखते तो हमें आनंद आता है, नहीं आता, अद्भुत आनंद आता है
जब होते हैं सदगुरु के दीदार, तभी तो दौड़े दौड़े आते हैं दूर दूर से नर और नार। इसलिए उत्सव मनाओ है साधकों जो ऐसे सदगुरु पाए हैं, और ब्रह्मानंद को लुटाने, प्रेम को लुटाने छोड़ वैकुंठ से धरा पर आए हैं, और ऐसी अमृतमय दृष्टि वो जिस पर डाल देते हैं तो कहा है कि नजरों से वो निहाल हो जाते हैं जो सदगुरु की नजर में आ जाते हैं। और ये कहते हैं कि शेर की दाढ़ में आया हुआ शिकार अब जबड़े में आ गया है, बचेगा कि नहीं बचेगा उसमें डाउट करने लायक है नहीं, फिर भी कुछ परसेंट संदेह है कि शेर की दाढ़ में आया हुआ शिकार बच सकता है कि नहीं बच सकता। लेकिन जो नूरानी नजर को पाए हुए ब्रह्मज्ञानी संत है, उनकी नजर में आया हुआ साधक बिल्कुल तर जाएगा, तरेगा तरेगा बिल्कुल तरेगा, तर सकता है जिस वस्तु पर, जिस व्यक्ति पर वो नजर डाल देते। और इसलिए बापूजी ने भी वो नूरानी नजर सब पर, एक दृष्टि देखे सभी चले शांत गंभीर, शस्त्रों की निहत्थे नहीं आए थे, हाथों में अस्त्र शस्त्र लेके आए थे, शस्त्रों की भीड़ को सहज गए बेचीर। कुछ नहीं कहा, जैसी दृष्टि पड़ी हथियार नीचे गिर गए और पूज्य बापू जी वहां से आगे निकल गए। ऐसी वो कौन सी दृष्टि है, निगाह मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, आया जब काला नाग, बोली धन मेरे भाग, आज आए प्रभु सांप के लिवाज, आओ आओ बलिहार, हे काले कृष्ण मुरार, बलिहार नहीं हूं तेरे बलिहार की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। ये दृष्टि मीरा के पास है, क्योंकि मीरा को वो दृष्टि उनके गुरु से प्राप्त हुई। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। आपके लिए हमारे लिए कुत्ता हो सकता, लेकिन ब्रह्मज्ञानी महापुरुष उसमें उस परमात्मा को देख रहे हैं। बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, तूने शकल बनाई है स्वान की, और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। ये एक ही दृष्टि है। इसी तरह सूरदास निगाह जिनकी थी खास, ऐसा नैनों में नशा था प्रभु नाम का, संसार की शराब पी करके आंखों में नशा चढ़ा लेना वो बहुत साधारण सा नशा है, बीड़ी पीने का, सिगरेट पीने का, शराब पीने का, भांग गांजा अफीम चरस, ये नशा बड़े छोटे नशे हैं, बड़े में बड़ा नशा है भगवान का नाम का नशा। कैसा नशा है हरि नाम का, जरा पीकर तो देखो। मीरा ने पी तो कमाल हो गया, जहर का प्याला अमृत हो गया। किसके माध्यम से पिया, अपने गुरु के माध्यम से। अर्जुन ने पी तो कमाल हो गया, और युद्ध के मैदान में गीता का ज्ञान हो गया, गीता प्रकट हो गई। किसके माध्यम से, सदगुरु के ज्ञान के माध्यम, सदगुरु की कृपा से। और इसी तरह सूरदास, बाहर के नैन तो बंद थे लेकिन भीतर की दृष्टि खुल गई, और वो भीतर की दृष्टि से ही परमात्मा नजर आता है। बाहर की दृष्टि से आप मूर्ति को देख सकते हो, लेकिन सर्वत्र जो ईश्वर सर्वभूतानाम, जो सब जगह वो दृष्टि परमात्मा विराजमान है, उसको सब में एक और एक में सबको देखना है, तो सदगुरु से वो नजरिया, सदगुरु से वो दृष्टि प्राप्त करनी पड़ेगी, जो दृष्टि उन महापुरुषों के पास है। इसी तरह सूरदास निगाह जिनकी थी खास, ऐसा नैनों में नशा था हरि नाम का। हरि नाम का नशा भी होता महापुरुषों की, आप तस्वीर को देखिए तो उनकी आंखें भी थोड़ी चढ़ी होती है, लेकिन वो शराब का नशा नहीं होता, और वो ऐसी नहीं चढ़ी होती। भंग भसुड़ी सुरा पान, उतर जाए प्रभात, नाम नशे में नानका, डूबा रहे दिन रात।
आपने देखा बापूजी का एक घुंघराले घुंघराले बालों वाला एक युवावस्था का एक श्री चित्र आपने देखा होगा। उस श्री चित्र में बापूजी की आंखों को देखना, आंखें ऊपर थोड़ी उठी हुई है और नजरों में वो ब्रह्मानंद छलक रहा है। ब्रह्मानंद की उस नशे में, उस भाव में। नानक जी का फोटो देखा कभी? उन महापुरुषों का श्री विग्रह अगर आप देखेंगे तो उनकी नजरों में वो अलग ही नशा होता है। इसलिए कहा भंग भसूड़ी सुरापान उतर जाए प्रभात नाम नशे में। और बापू जी क्या बोलते हैं, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात पी सुबह को उतर जाएगी, तू हरि नाम की प्यालियां पी ले, गुरु नाम की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। तो इसी तरह सूरदास निगाह जिनकी थी खास, ऐसा नैनों में नशा था प्रभु नाम का। हुए नैन जब बंद तब मिला वो आनंद, आया नजर नजारा भगवान का, हर जगह वो समाया सारी जग को बताया, आई रोशनी थी आंखों में ज्ञान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की ज्ञान की रोशनी। और ऐसे ज्ञान की रोशनी जिनके भीतर है वो भी हमको एक रोशनी देना चाहते हैं, भीतर की दृष्टि देना चाहते हैं। उसी को गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि जो उन्होंने अर्जुन को दी, और अर्जुन ने भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया, जो दृष्टि संजय को मिली। वो एक दृष्टि है। गुरु नानक कबीर सही जिनकी नजीर, पत्ते पत्ते में बताया निराकार को, ये गली ये बियाबान ये शहर ये गांव मेहरबानियां हैं उसी मेहरबान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो ये पहचान तभी होती है जब हमारा सच्चा प्रेम सदगुरु से होता है। और किसकी तरह होता है कि मिसाल दी जाती है, किसकी तरह? भक्त वो जो उससे विभक्त ना हो, जो उससे अलग ना हो, वही तो भक्त है, बाकी के सब कम भक्त है। जयराम जी की मीरा ऐसी भक्त है, जित देखूं तित श्याम मई, तू ही तू प्रभु तू ही तू। ये मीरा की भक्ति की, सिर पर शिप अपने इष्ट अपने आराध्य अपने प्रभु के सिवा दूसरा किसी को देखना ही नहीं चाहता। और तुलसीदास जी गोस्वामी जी उसको देखते हैं तो उसमें भी बोलते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। और भगवान शिव जी भी जपते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। वो परमात्मा का जो नाम है उसको प्रेम से जो जपते हैं, जो सदगुरु से मिला हुआ है उसमें प्रेम तभी आएगा जप में, जब आप प्रेम से जपोगे। कबीरदास जी कहते ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखो वहां तू को तू, कीड़ी में तू नानो लागे हाथी में तू मोटो क्यों। ये अद्वैत की दृष्टि है। और हमारी द्वैत भरी दृष्टि है, हाँ भैया कौन सी जाति के हो, हम बढ़िया हैं। अच्छा बढ़िया में भैया क्या हो, हम मित्तल है। अच्छा आप मित्तल हो, हम गर्ग हैं। अच्छा आप गर्ग हो, हम तो तायल है। अच्छा आप तायल हो, हम तो बंसल है। अच्छा आप तो बंसल हो, हम तो गुप्ता है। अच्छा आप गुप्ता हो, हम तो अग्रवाल है। कोई बोलेगा हम तो मारवाड़ी है, कोई बोलेगा हम तो पंजाबी है, कोई बोलेगा हम तो सिंधी है। ये द्वैत भरी दृष्टि है। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये बौद्ध है, ये जैन, ये पारसी, ये सब द्वैत भरी दृष्टि है। लेकिन अद्वैत दृष्टि वसुदेव कुटुंबकम का भाव, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, ईश्वर अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, सब उस परमात्मा की ही संतान है।
एक परमात्मा की ही संतान है, सबकी एक ही जात है, अलग अलग जात नहीं है। कौन सी जात है कि ममे मांसो जीवलोका जीवभूत सनातन, एक ही धर्म है सबका। कौन सा? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये धर्म नहीं, एक ही धर्म है, जो धर्म भगवान का है, स्व धर्म। तो फिर परधर्म क्या है? जब स्वधर्म कहा है तो फिर परधर्म भी होगा। लेकिन परधर्म जिसको हम मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसको भगवान परधर्म नहीं कहते। भगवान का धर्म क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रये विनाशाय, तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम। भगवान सच्चित आनंद है और हम भी उसी का ही, हमारा भी स्वभाव वही है, हमारा भी वही धर्म है, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय। विश्व की उत्पत्ति का हेतु आदि कारण भी वही है, सब वही है। तो एक ही हमारी जात है, एक ही हमारा वर्ण है, एक ही हमारा कुल है। और बापूजी बताते सत्संग में कि मानो तुझे याद नहीं, तू ब्रह्म का अंश है। अंश हमेशा अंशी की तरफ बहता है। जल को कहीं भी आप डालिए जमीन में, वो उस तरफ बहेगा जिस तरफ ढलान होगा। दीप को आप कैसे भी प्रज्वलित कीजिए, माचिस की तिली जलाइए, वो नीचे की तरफ लौ नहीं उठेगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि जल का बहना उसका स्वभाव है, अग्नि का ऊपर उठना उसका स्वभाव है। ऐसे जीवात्मा का स्वभाव वो परमात्मा का स्वभाव है। और इसलिए स्वभाव, जब तक हम अपने स्व के भाव में नहीं आएंगे, प्रभाव में जीते रहेंगे, तब तक सच्ची शांति और सच्चा आनंद और सच्चा प्रेम प्रकट होगा नहीं। और हम स्वभाव की तरफ आने नहीं जाते, हम हमेशा प्रभाव में ही देखते रहते हैं। हम अपने को भीतर नहीं देखते, हमेशा हम दूसरों को देखते रहते हैं। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, हम बाहर ही दौड़ते रहते, बाहर ही भागते रहते हैं, हम अपने स्वभाव की तरफ नहीं देखते। तो स्वधर्म क्या है? भगवान कहते हैं तुम्हारा जो सच्चिदानंद स्वभाव है वही तुम्हारा स्वधर्म है। और काम में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में, आशा में, तृष्णा में, राग में, द्वेष में जलना, ये परधर्म है, ये भयावह है। इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेयम, भगवान के ध्यान में, भगवान के सुमरण में, भगवान का नाम जपते जपते, सुमरण करते करते, भगवान का ध्यान करते करते अगर मृत्यु भी आ गई, स्वधर्मे निधनम श्रेयम। लेकिन काम में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में अगर जी रहे हैं तो ऐसा जीना भी बेकार है, भयावह है, खतरनाक है। तो हम सबका एक ही धर्म है, हम सबकी एक ही जात है। और इसलिए सदगुरु भी कहते हैं मानो तुझे याद नहीं, तू ब्रह्म का अंश है, कुलगोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म का तू अंश है। तो जब तक हम अंशी अंश से नहीं मिलेगा, नदी जब सागर में मिल जाती है तो बड़ी आनंदित हो जाती है, नदी का भाव मिट जाता है और उससे सागर प्रकट हो जाता है। बिंदु जब मिट जाता है तो वो सिंधु हो जाता है। ऐसी जब तक जीव भाव में ही जीते रहेंगे, अपने को जाति नाती और शरीर को ही मान करके जीते रहेंगे, तो कहते गोस्वामी कि तुलसी हरि के भर भजन बिन चारों वर्ण चमार। हम सिर्फ इस शरीर के ही वर्ण को अपना वर्ण समझ रहे हैं तो हम चमार से ज्यादा नहीं है, अधिक कुछ हमारी सोच नहीं है।